गाइस नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो फ्रेंड्स आज हम करेंगे बिना ऑयल कुक। तो बिना ऑयल कुक ये कैसे हो पाएगा, तो इम्पॉसिबल है ये हो पाएगा। लोग सब्जी बनाएंगे आज, देखते हैं कि बिना ऑयल का तो ऑयल तो स्वाद नहीं रहता, तो फिर हमारे सब्जियों को कैसे स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो बिल्कुल बिना तेल का भी सब्जी बिल्कुल परफेक्ट बन सकता है, बिल्कुल स्वादिष्ट बन सकता है। तो चलिए करते हैं आज का रेसिपी स्टार्ट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग कढ़ाई गरम कर लेंगे। तो कढ़ाई गरम होने के बाद फिर हम लोग जीरा ऐड करेंगे इसमें। तो जीरा ऐड कर दिए हैं, फिर इसको हम लोग चम्मच से चलाएंगे जीरा को भुनते तक। तो यहाँ पे जीरा भुना है, उसके बाद फिर हम लोग प्याज खाते हैं, तो फिर प्याज डाल देते हैं यहाँ पे, अनियन, फिर इसका जितना भी है इसका पानी निकलने तक इसको हम लोग भुनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी आप डाल दीजिएगा ताकि ये थोड़ा चिपक जाएगा, तो बिल्कुल उसका पानी थोड़ा निकलता है, ताकि इसको आप चम्मच से चलाते रहिएगा तब तक ये भुनने तक उसको चलाएंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गए, देख लीजिए यहाँ पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाता है, तो फिर हम फिर इसमें अगर टमाटर खाते हैं तो फिर टमाटर तो डालते ही हैं, तो इसमें हम लोग टमाटर ऐड कर देंगे। फिर इसमें टमाटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर यहाँ पे देख लीजिए चम्मच चलाते रहना है ताकि ये चिपके ना। तो बहुत बिना ऑयल का इसलिए बहुत चिपकने का बहुत ज़्यादा ही डर है, तो बिल्कुल आप इसको चलाते रहिएगा, बिल्कुल चारों तरफ से आप उसको चलाते रहिए। तो यहाँ पे हो जाता है, फिर चलाइए यहाँ पे हो जाता है हल्का सा। फिर मैं नमक डालकर इसको अच्छे से हम लोग यहाँ पे पका लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। फिर तो हम लोग अच्छे से पका रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप भी थोड़ा सा अपने हिसाब से पानी ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं टर्मरिक डालते हुए, तो मैं मसाला के ऊपर ही डालूँगा टमाटर के ऊपर ताकि ये चिपक ना जाए। तो यहाँ पे मैं सबको मिक्स कर रहा था और यहाँ पे मिक्स कर देता हूँ मैं, ये पूरा मिक्स कर चारों तरफ से पूरा देखो चिपक रहा है। तो थोड़ा सा मैं इसमें पाउडर डाल देता हूँ, मसाला अपने स्वाद अनुसार इसमें। फिर उसके बाद फिर हम थोड़ा थोड़ा और पानी छिड़क लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी हम देख लीजिए यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ताकि मसाला चिपके ना, क्योंकि ये हल्दी है मिर्च है तो ये सब चिपकेगा ही क्योंकि पाउडर है। तो यहाँ पे चिपक रहा था तो मैं पानी डाल रहा हूँ यहाँ पे, और देख लीजिए पूरा थोड़ा सा मिक्स करके सबको मिक्स करने के बाद फिर थोड़ा सा पकने देंगे इसको। यहाँ पे अब ऐड कर देते हैं आलू अपना, उसके बाद सबको मिक्स करते हैं यहाँ पे, पूरा मिक्स कर लेते हैं इसको, पूरा मिक्स किए हैं। अब पूरा मिक्स करने के बाद फिर से थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं अपने हिसाब से, जो भी है जितना भी डालना है आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो फिर सबको मिक्स कर लो, धनिया डालें उसको पूरा मिक्स करिए, फिर इसको हम लोग ढक देते हैं यहाँ पे। तो फिर ढकने के बाद थोड़ी देर बाद निकालते हैं, पकने के बाद चेक करते हैं कि बीच बीच में चलाते रहना है ताकि बैठे ना उसमें चिपके ना। तो यहाँ पर मैं चला रहा हूँ यहाँ पर चम्मच, काफ़ी थोड़ा सा पका हुआ है, थोड़ा सा पक रहा है तो बहुत जल्दी पक जाए इस टाइप का, हम लोगों को इसको ढकना है ताकि जल्दी से पक जाइए हमारा सब्जी। देख लीजिए कितनी बेहतरीन दिख रहा था, यहाँ पे मैं ढक दिया था और यहाँ फिर मैं उसको चला लिया, उसके बाद फिर देख लीजिए यहाँ कितनी प्यारी लग रही है अपना सब्जी। हम इसको अब चूल्हे से उतार लेते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा बनकर रेडी तैयार है, आप देख लीजिए प्लेट में यहाँ पर। तो चलिए फिर करते हैं इसको टेस्ट। सो गाइस हमारा सब्जी बन गया है, तो चलिए टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके कैसा बना है बिना ऑयल का सब्जी। तो देख सकते हैं यहाँ पे खुशबू तो बहुत सुंदर आ रहा है, वैसे तो मैं बहुत कम ही ऑयल खाता हूँ, ऑलरेडी आज बिल्कुल बिना ऑयल का है। तो चलिए करते हैं टेस्ट आप सबके साथ में। आपने देखा ही रेसिपी कि बिल्कुल आप कैसे कैसे बनाना है, मैं एक करके दिखा रहा हूँ, तो चलिए टेस्ट करते हैं फिर। तो प्रण बहुत ही सुंदर बना है यार, बिना ऑयल का भी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बना है, देख लीजिए यहाँ पे काफी टेस्ट है। तो यार सब ऑयल में तो स्वाद रहता नहीं है, देख लीजिए कितना बढ़िया सब्जी बना है, सामान वही है, सारा मसाला वही है, तो फिर बिना ऑयल का भी तो सब्जी बहुत अच्छा बन सकता है ना, फिर बनाकर देखना मेरे जैसे बिना ऑयल का सब्जी। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे बना है ये, ऐसा नहीं लग रहा है कि बिना ऑयल का बना है, बिल्कुल ये जैसे ऑयल बनाते हैं ना वैसे,
ये एक भी नहीं लग रहा है कि ये बिना ऑयल का सब्जी है, इसे कोई के नहीं कह सकते कि ये बिना ऑयल का सब्जी है। ये परफेक्ट बना है ये सब्जी, बिल्कुल जैसे ऑयल बनाते हैं वैसी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो था यही, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल मेरे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।